देश की चार बड़ी हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये चारों भारत रत्न मरणोपरांत दिए गए हैं। जिन चार हस्तियों को राष्ट्रपति ने भारत रत्न सम्मान दिया है उनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। चारों शख्सियतों के परिजनों ने यह सम्मान हासिल किया। नरसिम्हा राव के बेटे पीवी प्रभाकर राव ने सम्मान हासिल किया। श्री पीवी नरसिंह राव मरणोपरांत उनके पुत्र श्री पीवी प्रभाकर राव। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने सम्मान लिया। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न सम्मान उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने लिया। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर। जबकि एम एस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से यह सम्मान ग्रहण किया। डॉक्टर मानकोम्बु सांबशिवन स्वामीनाथन मरणोपरांत उनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव। भारत सरकार ने देश की पांच हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया था। इन हस्तियों में बीजेपी के सीनियर लीडर और देश के गृह मंत्री रह चुके लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं। लेकिन शनिवार को भारत रत्न सम्मान कार्यक्रम में आडवाणी अपनी खराब सेहत की वजह से नहीं पहुंच सके। आडवाणी को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। इस दौरान आडवाणी के घर पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।